कोरोना वैक्सीन पूरी तरह कारगर और सेफ है, इसे हर व्यक्ति को लेना जरूरी है, नहीं तो भविष्य में स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। उक्त बातें प्रखंड स्तरीय शांति समिति की बैठक में जमुआ के BDO विनोद कुमार कर्मकार ने कही। बताया कि जमुआ में जब जब भी कोई वक्त आड़े आया है, शांति समिति के सदस्यों ने बड़ी तत्परता और कर्मठता का परिचय दिया है। कोरोना रोधी वैक्सीनेशन की सफलता के लिए आज प्रखंड शांति समिति की आवश्यकता है। कहा कि चूंकि इसमें समाज के विभिन्न क्षेत्रों के फ्रंट लाइन के कार्यकर्ता हैं, जिनका समाज में बेहतर पैठ है, उन्होंने सदस्यों से आह्वान किया कि कुछ ग्रामीणों के बीच वैक्सीन को लेकर जो भ्रांतियां हैं उन्हें दूर करें। बैठक में प्रखंड चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर राजेश दुबे ने कहा कि वैक्सीन को कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। कहा कि 60 साल से ऊपर जमुआ में लगभग 28,000 लोग हैं, सबको वैक्सीन पड़ जाए यह सुनिश्चित तभी हो सकता है जब सब मिलकर प्रयास करेंगे। कहा कि हर दिन 20 स्थानों पर कैंप का आयोजन कर वैक्सीनेशन कार्य किया जा रहा है। बैठक में प्रखंड शांति समिति के सचिव सुधीर द्विवेदी के अलावा अल्पसंख्यक समिति के सचिव और खरगडीहा के मुखिया सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। जमुआ प्रखंड में COVID-19 की टीका अलग अलग चरणों में लगाया जा रहा है। उस क्रम में 60 साल से अधिक के लोगों को हम लोग टीकाकरण कर रहे हैं। इसको लेकर के विभिन्न पंचायत भवनों में, विद्यालयों में सेंटर बनाया गया है और टीका लगाया जा रहा है। हम लोगों से अपील करते हैं कि लोग आएं अधिक से अधिक और COVID-19 का टीका लगाएं। आज इस आलोक में हम लोगों ने एक बैठक भी आयोजित की, जिसमें शांति समिति के सदस्यों से भी अनुरोध किया गया कि लोग प्रेरित करें और हमारे जो लक्ष्य हैं यहाँ पर 30,000 के करीब 60 साल से अधिक लोगों को उनको टीका लें। हम परिसर जमुआ में BDO साहब की अध्यक्षता में COVID-19 के उपलक्ष्य में BLTF का आयोजन किया गया। सभी कम्युनिटी के लोग उपस्थित थे और सभी से हम लोगों ने आग्रह किया कि COVID-19 वैक्सीनेशन जो पूरे इंडिया में अभी चल रहा है, उसी संदर्भ में हम लोगों ने जो सेशन ऑर्गेनाइज किए हैं वो अपने पंचायत भवन, निकटतम पंचायत भवन या जो स्कूल में ऑर्गेनाइज किए हैं, आके COVID-19 वैक्सीन का जो है वो टीकाकरण करवा लें। इनका फर्स्ट डोज पड़ने के बाद 28 दिन के बाद दूसरा डोज पड़ेगा, तभी हम लोग का जो है इम्यूनिटी जो है पब्लिक में बढ़ेगा। और कुछ कुछ क्षेत्रों में जो है लोगों में कुछ अंधविश्वास थी, जिसको हम लोगों ने बैठक करके उनको दूर करने का कोशिश किया और सभी से अपील किया कि इस अंधविश्वास को छोड़ करके सच्चाई पर आए और सभी लोग जो है COVID-19 का टीका लें। VTM News के लिए जमुआ से रवि राजा की रिपोर्ट।